डॉक्टर रीता जैन, राजर्षि महाविद्यालय अलवर में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं बीएससी प्रथम वर्ष को सामान्य हिंदी का अध्ययन कराऊंगी। हरिवंश राय बच्चन की कविता लहरों का निमंत्रण का हम अध्ययन करेंगे। इस कविता के कई वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। आज मैं पिछले पद्य से आगे के वीडियो का यहाँ पर अध्ययन करा रही हूँ। डॉक्टर बच्चन चाहते हैं कि कुछ नए नए मार्ग धरती पर अंकित किए जाएं, किंतु यह देखकर स्थापित है कि हमारे महापुरुषों ने पहले से ही अनंत मार्ग यहाँ बना रखे हैं। अब तो नए मार्ग बनाने को कहीं भी स्थान नहीं है। तब वे सोचते हैं कि पानी पर जो रास्ते बनते हैं वे कभी रूढ़ी नहीं बन सकते, वे बनते हैं और स्वयं मिट जाते हैं। वहाँ मार्ग बनाने की अनंत संभावनाएँ हैं। बच्चन जी जो स्वयं अपने जीवन में निराशा और कुंठाओं से पीड़ित थे, अब चारों ओर आशा विश्वास में वातावरण देखकर स्वयं भी आशा आकांक्षा से भर गए हैं। थोड़ी देर पहले वे अपने जीवन नौका को जल में डूबते हुए देख रहे थे, किंतु अब उनके हृदय में आशा की उमंगें इतनी प्रबल हो उठी हैं कि ना तो उन्हें निराशा का भय रोक सकता है और ना आशा की प्रवंचना ही उन्हें नष्ट कर सकती है। अब उनके मन को निराशा से मुक्ति मिल गई है। इस संपूर्ण परिदृश्य ने कवि को कर्मयोगी बना दिया है। धरती पर ध्वंस, सृजन, जीवन, मृत्यु, आशा, निराशा, जय, पराजय, आज आदि होते रहते हैं। जीवन में विजय मिले या पराजय मिले, मंजिल मिले या मार्ग के मध्य ही सब कुछ स्वाह हो जाए, किंतु कवि इनसे विचलित ना होकर केवल कर्म करने में विश्वास करता है। उसे फल की भी चिंता नहीं है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बच्चन जी कहते हैं कि स्थल गया है भर, पथों से नाम कितनों के गिनाऊं, स्थान बाकी है कहाँ पथ एक अपना भी बनाऊं। विश्व तो चलता रहा है, थाम रहा बनी बनाई, किंतु इन पर किस तरह मैं कभी चरण अपने बढ़ाऊं। रहा जल पर भी बनी है, रूढ़ पर ना हुई कभी वह, एक दिन का भी बना सकता यहाँ पर मार्ग नूतन, तीर पर कैसे रुकू मैं आज लहरों में निमंत्रण। यहाँ पर बच्चन जी बता रहे हैं कभी अपना स्वयं का कोई नया पथ बना पाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है, क्योंकि पहले से ही पूर्व पुरुषों ने प्रत्येक दिशा में मार्ग बना रखे हैं। उन मार्गों के मध्य में नए मार्ग की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी कवि की इच्छा है कि वे अदृश्य मार्ग का निर्माण करके उस पर चलने की लोगों को प्रेरणा देगा। कवि बच्चन कहते हैं कि हमारे अत्यंत कुशल पथ प्रदर्शकों ने इतने मार्ग बना दिए हैं कि संपूर्ण स्थान मार्गों से भर गए हैं। उन महापुरुषों के इतने नाम हैं कि मैं उनके नाम तक गिनाने में असमर्थ हूँ। इतने पथ महापुरुषों ने बना दिए हैं कि नया पथ बनाने का कोई स्थान ही नहीं बचा। यह संसार तो महापुरुषों द्वारा बनाई गई राह को पकड़कर चलता रहा है, किंतु इन पूर्व पुरुषों का मैं इतना सम्मान करता हूँ कि मैं उनके द्वारा बनाए गए रास्तों पर अपने चरण बढ़ाकर इनका असम्मान भी नहीं कर सकता। यूँ तो जल पर भी मार्ग बने हैं, किंतु जल मार्गों के कोई चिन्ह कहीं नहीं है। जल पर बने मार्ग स्थायी रूढ़ी नहीं बन सकते, वे बनते हैं और मिट जाते हैं। उस पर हर बार नए मार्ग बनाए गए हैं। जल पर तो एक मामूली तिनका भी अपना मार्ग बनाने में सक्षम होता है। जल पर नए नए मार्ग बनाना सरल है। मैं तीर पर कैसे रुक सकता हूँ जबकि लहरें मुझे आगे बढ़ने का निमंत्रण दे रही हैं। इस अवतरण में पूर्व पुरुषों द्वारा स्थापित परंपराओं और मार्गों का सम्मान करते हुए कवि अपने द्वारा बनाए मार्ग को रूढ़िवत नहीं बनाना चाहता। मैं तो अपने मार्ग को जल पर बने मार्ग की भांति अचिन्हित रखना चाहता है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी अपने मार्ग बना सके। देखता हूँ आँख के आगे नया यह क्या तमाशा, कर निकल कर दीर्घ जल से हिल रहा करता मनासा, है अतेली मध्य चित्रित नीर मग्न प्राय बेड़ा, मैं इसे पहचानता हूँ है नहीं क्या यह निराशा, हो पड़ी उद्दाम इतनी उर उमंगे अब न उनको रोक सकता भय निराशा का न आशा का प्रवंचन, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों का निमंत्रण। इन पंक्तियों में बच्चन जी की आशोन्मुखी भावनाओं को व्यक्त किया गया है। इस अंश में कवि ने अपनी निराशा को भली प्रकार पहचान लिया है और अपने उत्साह को इस रूप में देखा है कि फिर ना तो उसे कोई निराशा से कठिनाई हो और ना आशा की प्रवंचना से।
डॉक्टर बच्चन अब निराशा के अंधेरे से निकलकर संसार में प्रवृत्ति का स्वप्न देखते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि मेरी आँख के सामने ये कैसा तमाशा हो रहा है कि विशाल समुद्र के गहरे पानी से निकलकर कोई हाथ मुझे मना कर रहा है और उसकी हथेली के मध्य में मेरा बेड़ा समुद्र के जल में डूबता हुआ चित्रित है। ऐसा मुझे हथेली में चित्रित चित्र की तरह दिखाई दे रहा है। मैं इस मानसिक अवस्था को पहचानता हूँ, यह मेरी निराशा ही है। अब तो मेरे हृदय में आशा और उल्लास की उमंगें इतनी तीव्र और ऊंची हो चुकी हैं कि उनको निराशा का भय या आशा की प्रवंचना नहीं रोक सकती। मेरे मन में आशा का प्रवाल संचार हो रहा है। है हथेली मध्य चित्रित में हस्त मलकत मुहावरे का छाया अनुवाद है और आशा का प्रवंचन से तात्पर्य झूठी आशा के जाल में उलझना है। इस प्रकार हरिवंश राय बच्चन ने अपनी इस कविता के माध्यम से निराशा को जीवन से हटाने के स्थान पर आशा के आशान्वित रहकर अपने जीवन को जीने की प्रेरणा दी है।